हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर और कॉर्न की सब्ज़ी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पनीर और कॉर्न की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने लिए ये एक शिमला मिर्च लिए कटी हुई, दो प्याज लिए हैं, ये पनीर लिया है मैंने, ये कॉर्न लिया है बॉईल करके, और दो टोमेटो की प्यूरी ली है, ये मैंने लहसुन लिए, और थोड़ी सी मैंने ली है दूध की मलाई। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, अब इसमें कॉर्न डाल दिए, ये शिमला मिर्च डाल दिए, इनको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये हमारे कॉर्न फ्राई हो रहे हैं, जब तक मैं दूसरी जगह पर कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। कढ़ाई में भी मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी। मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर दी है और कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। तो हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो मैंने राई डाल दिया और जीरा डाल दिया, अब ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, अब मैं इसमें प्याज डालती हूँ, प्याज फ्राई हो रहा है, प्याज को हमें ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है। अब देखिए हमारे प्याज हल्के से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, अब मैं इसमें टमाटर की प्यूरी डालूंगी, अब हमें इसे 5 मिनट तक पकाना है। ये देखिए अभी टमाटर भी भून चुके हैं, अब हम इसमें मसाले डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा चम्मच नमक डाला है मैंने। अब हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं, अब हम इसमें कॉर्न और शिमला मिर्च ऐड कर देंगे, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, मैं इसमें 1 चम्मच मलाई ऐड कर रही हूँ, इससे इसमें एक बहुत अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर आएगा सब्जी के अंदर। मैं पनीर ऐड करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पनीर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कॉर्न और पनीर की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस सब्ज़ी को एक प्लेट में सर्व कर लिया है, बहुत ही टेस्टी बनी है सब्ज़ी। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और श्री किचन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।